नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रात्रकालीन न्यूज। अभी नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई थी खाकी, जिसके जरिए ये दावा किया गया था कि बिहार पुलिस प्रशासन की छवि बदलेगी। मगर जो बिहार के बदमाश हैं, जो चोर हैं, उन्होंने कसम खा रखा है कि बिहार पुलिस की जो बदलता हुआ छवि है उनको मंजूर नहीं है। जो समय समय पे ऐसा कांड कर देते हैं जिससे बिहार पुलिस की छवि खराब हो जाती है। थोड़े दिन पहले रेलवे के गोदाम से एक इंजन गायब हो गया। आरोप लगा उन चोरों पे, मगर बिहार पुलिस उनको पकड़ने में नाकाम साबित हुई। थोड़े दिन बाद लोहे का ब्रिज गायब हो गया। अब ताजा मामला पटना में एक टावर का है। 25 लोग आते हैं, टावर काट के 3 दिन में ट्रक में भरते हैं और लेके चले जाते हैं। वहाँ के लोग पूछते हैं तो 25 लोगों में से एक आदमी बोलता है कि कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी ने आदेश दिया है कि यहाँ से टावर को उखाड़ के कहीं दूसरी जगह लगाया जाए। और वो 3 दिन तक गैस कटर से टावर काटते हैं, मगर कोई पूछता नहीं है। वो 3 दिन बाद ट्रक में लाद के लेके चले जाते हैं। तब जाके लोगों को पता चलता है कि असल में ये कंपनी के अधिकारी नहीं थे, ये चोर थे और टावर उड़ा ले गए। टावर की कीमत 19 लाख रुपए बताई जा रही है। जब असली अधिकारी आए तब उन्होंने पटना पुलिस के पास जाके एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। पटना पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही चोर उनके गिरफ्त में होंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लोगों का कहना है कि पटना पुलिस लोगों को पकड़ने में विश्वास नहीं रखती है, क्योंकि थोड़े दिन पहले जब नीतीश कुमार राजभवन गए थे शपथ ग्रहण समारोह में शपथ लेने, तब उनके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जिसको कोर्ट के द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया था, सरेंडर करने को बोला गया था। मगर पटना पुलिस अपने प्रोटेक्शन में ले जाके राजभवन उनको मंत्री पद की शपथ दिलवाती है। ये पटना पुलिस से लोगों को कम उम्मीद है कि चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन पटना पुलिस को भी अपनी छवि को अगर सुधारना है तो इन चोरों को पकड़ के दिखाना होगा कि नहीं, पटना पुलिस लोगों को पकड़ने में भी विश्वास रखती है। तो देखते रहिए रात्रकालीन न्यूज़। धन्यवाद।